समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। साधना गुप्ता ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वो यहां बीते कई दिनों से भर्ती थीं। बताया जा रहा है कि वो यहां बुखार के बाद हुए फेफड़े में संक्रमण से पीड़ित थीं, जिसका इलाज कराने के लिए लखनऊ से गुरुग्राम लाया गया था। यहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव लखनऊ से मेदांता पहुंच चुके हैं। साधना गुप्ता समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी, जिनसे उन्होंने कुछ साल पहले ही शादी की थी। साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव हैं, जिनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में है, जबकि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के बेटे हैं। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां मालती देवी का निधन साल 2003 में हो गया था, जिसके बाद 23 मई 2003 को मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी के रूप में दर्जा दिया था। साधना यादव सपा मुखिया से 20 साल छोटी थीं। साधना गुप्ता की भी मुलायम सिंह के साथ ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी फर्रुखाबाद के चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं और इससे पहले वो विधायक भी रह चुके हैं। साधना गुप्ता की पहली शादी 4 जुलाई 1986 को हुई थी। इस शादी से उनके बेटे प्रतीक का जन्म हुआ था। हालांकि यह शादी ज्यादा दिन नहीं टिकी और दोनों अलग हो गए। साधना गुप्ता के शव को लखनऊ ले जाया जा रहा है, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा जाएगा। साधना गुप्ता की मृत्यु के बारे में समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आधिकारिक सूचना जारी की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।